हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल सिंपली मीनल में। तो गाइस, आज मैं आपके साथ उपवास की दो रेसिपी शेयर करूंगी। पहली जो रेसिपी है वो व्रत के आलू वड़े हैं, और जो दूसरी रेसिपी है हमारी वो व्रत की आलू लच्छा नमकीन है। और ये आलू लच्छा बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनेंगे, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेंगे, और ऐसे ही हमारे आलू वड़ा बनेंगे, बहुत टेस्टी और बहुत ही झटपट बनने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपनी रेसिपी की। पर उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। और हाँ, ये जो रेसिपी है ना, पूरी एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, वो अगर मिस कर देंगे तो उसमें थोड़ी सी आपकी रेसिपी में दिक्कत हो जाएगी। तो बनाते हैं हम अपनी झटपट सी आलू लच्छा और आलू वड़ा की रेसिपी। तो व्रत के आलू वड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 4 से 5 उबले हुए आलू, हरा धनिया लिया है, आधा कटा हुआ नींबू लिया है, 1 चम्मच जीरा लिया है, 1 से 1.5 चम्मच व्रत में खाने वाला नमक लिया है, हरी मिर्च ली है, काली मिर्च पिसी हुई ली है, और 1 चम्मच के लगभग मैंने अदरक ली है, वो हमने घिस ली थी। और साथ में मैंने लिया है आधी कटोरी के लगभग समा का चावल, और आधी कटोरी के लगभग ही हमारा साबूदाना है। साबूदाना और समा के चावल को अच्छे से पीस लेना है। धनिया और अदरक ऑप्शनल है, अगर आप यूज करना चाहें तो यूज करिएगा, और अगर आप नहीं खाते हैं व्रत में तो स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आटा जो है वो पीस चुका है, बहुत बारीक हमने अपना आटा बना लेना है। और यहाँ पर मैंने पैन लिया है और पैन को गर्म होने दिया है। पैन के अंदर मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है, आप चाहें तो देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आप कुकिंग ऑयल यूज करते हैं वो आप कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा जीरा, और इसे अभी हम तड़कने देंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर डाली है हरी मिर्चें, हरी मिर्चें की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ज्यादा कम कर सकते हैं। फिर मैंने डाला है इसमें थोड़ा सा अदरक जो मैंने घिस लिया था कद्दूकस से, और इसे हमें भूनना है। बहुत ही ज्यादा टेस्टी रेसिपी होती है गाइस, आप बना के जरूर ट्राई करिएगा। फिर जो हमारे उबले हुए आलू थे उन्हें मैंने फोड़ लिया है, फोड़ने के बाद मैंने इसे डाल लिया है पैन में, और इसके बाद मैंने डाला है थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, उसके बाद मैंने आधा नींबू का रस निचोड़ के डाल दिया है, और थोड़ा सा हमने हरा धनिया डाला है। तो इसमें से जो भी सामान आप व्रत में नहीं खाते हैं या वैसे भी नहीं खाते हैं, स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। और हमें इन आलुओं को अच्छे से भूनना है, अच्छे से फ्राई कर लेना है जब तक गोल्डन नहीं हो जाए, और बहुत ही सोंधी खुशबू आती है, बहुत ही ज्यादा लजीज बनते हैं। जो अभी मेरी गैस की फ्लेम है वो मीडियम फ्लेम है, तो मैं मीडियम फ्लेम पे ही इन्हें भून रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने ज्यादा तेज फ्लेम कर दी तो आलू हमारे जलने लगेंगे और उसका फिर टेस्ट भी थोड़ा खराब हो जाता है। तो अब हमारे आलू अच्छे से फ्राई हो गए हैं, और अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। तो अब मैंने यहाँ पर एक बर्तन में आटा निकाल लिया है, जो हमने पीसा था ना साबूदाने का और समा के चावल का, तो वो मैंने निकाल लिया है। और इसमें मैंने व्रत में खाने वाला नमक मिला लिया है, थोड़ी सी इसमें मैं हरा धनिया मिलाऊंगी, और अब मुझे इसमें डालना है हरी मिर्च, और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, और इसे है ना एक बैटर तैयार करना है हमें। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी ही डालिएगा, मतलब एकदम से अगर आपने पानी डाल दिया तो बहुत ज्यादा लिक्विड भी हो सकता है, तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही आप मेजर करके डालिए। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि पहले थोड़ा ही डालिए, चाहे आपको आटा मारना हो, बैटर बनाना हो, तो मतलब अगर आप कम क्वांटिटी से स्टार्ट करेंगे ना तो उसमें बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि आपका सामान सही बने। धीरे धीरे करके मैं इसमें पानी डालती जा रही हूँ, और थोड़ा हमें जैसे बेसन के पकौड़ा का हमें बैटर तैयार करना होता है ना, बिल्कुल वैसा ही हमें इस टाइम बैटर तैयार करना है। और देखिए, बिल्कुल परफेक्ट हमारा बैटर बनकर के तैयार हो गया है। पैन को फिर से हमें गर्म करना है, और इसमें मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है, रिफाइंड ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। और इधर इसी तरह मैं है ना गोल गोल इसके बड़े तैयार कर लेती हूँ, यानी कि रोल से तैयार कर लेती हूँ। और जो तेल है अच्छे से गर्म हो चुका है, तो जो वड़े हैं वो मैं ले रही हूँ उठा के, और इस जो जो बैटर बनाया था ना उसमें मैं डिप करके कढ़ाई में डाल रही हूँ। ये देखिए, ऐसे ही हमें इसमें डिप करना है आलू का रोल, के बाद हमें ऑयल में छोड़ देना है। गाइस, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनते हैं, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनते हैं। और व्रत में क्या होता है ना, 9 दिन होते हैं हमारे जो व्रत, उनमें ना कभी कुछ खाया जाता है, कभी कुछ खाने का मन करता है। और वैसे भी अगर ये रेसिपी आप विदाउट व्रत भी बनाएंगे ना, अगर आपने उपवास नहीं रखा है वैसे भी खाएंगे तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी होने वाली है। एक अलग सा टेस्ट आता है, एक ऊपर से बहुत क्रिस्पी बनाया, क्योंकि समा के चावल में बहुत स्टार्च होता है, तो उससे हमारे इसमें ना कुरकुरी हो जाती है हमारी ये
तो बड़ी पकौड़ी सी अच्छी सी लगती है। इस टाइम जो हमारे गैस की फ्लेम है वो मीडियम फ्लेम है और ये देखिए हमारे जो आलू वड़े हैं वो फ्राई हो गए हैं। इस स्टेज तक हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है और गैस की फ्लेम का आप जरूर ध्यान रखिएगा, ज्यादा ना हो नहीं तो जल जाएंगे। तो गैस बन करके तैयार हो गए हैं हमारे व्रत के आलू वड़े या उपवास के आलू वड़े, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। गैस बहुत ही ज्यादा टेस्टी, बहुत ही ज्यादा कुरकुरे बने हैं और मैंने इसे व्रत की चटनी के साथ सर्व किया है और साथ में गर्मा गर्म चाय, वाह क्या कहने। तो चलिए चलते हैं हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। तो ये है हमारे व्रत के आलू के लच्छे। व्रत के आलू के लच्छे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 कच्चे आलू लिए हैं और उन्हें छील लिया है। साथ में मैंने है ना एक ठंडे पानी का बर्तन लिया है जिसमें मैंने ठंडा पानी डाल रखा है और इसे हमें कद्दूकस करना है। और आप कद्दूकस का है ना मोटा वाला लच्छा होता है ना वो लीजिएगा, मतलब कद्दूकस में भी कई सारी वैरायटी आती है पतले लच्छे की मोटे लच्छे की, तो जो मैंने लिया है वो मोटे लच्छे वाला कद्दूकस लिया है। और ये देखिए हमारा सारा कद्दूकस हो चुका है आलू लच्छा और देखिए कितना मोटा बना है आलू लच्छा। जितना मोटा रहता है उतना ही अच्छा रहता है, पर ये नहीं कि ज्यादा मोटा हो जाए फ्रेंच फ्राइज ही बन जाए, ऐसा नहीं करना है। मतलब मोटा वाला जो कद्दूकस होता है ना वो यूज करना है। और यहाँ पर क्या करना है, हल्के हाथों से जो आलू का स्टार्च होता है वो मुझे निकालना है और इसको है ना हमें 2 से 3 बार धोना है। मतलब जितना बार आपका साफ पानी नहीं आ जाता है हमें उतने तक धोना है। तो देखिए अब मैंने एक दूसरा बर्तन लिया है, इसमें मैं डालूंगी, इसे छान छान के करूंगी मैं। ये देखिए अभी भी देखिए सब जो पानी है वो क्लियर नहीं हुआ है। ये देखिए ऐसे निकाला और अच्छे से निचोड़ लिया, फिर से मैं इसे हल्के हाथों से मलूंगी। मतलब जितना भी हमारा आलू का स्टार्च है वो निकल जाए, इससे हमारा आलू का जो लच्छा है वो बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनेगा, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेगा। और देखिए इसमें ना स्टार्च है, अभी आपने देखा ना बर्तन में स्टार्च छोड़ रहा है, तो ये स्टार्च नहीं रहना चाहिए। तो आलू का लच्छा अच्छे से फिर से मैं धो रही हूँ, अच्छे हल्के हाथों का यूज करना है। अगर आपने ज्यादा टाइट हाथ यूज करा या बहुत ज्यादा रब करके निकाला तो आलू का लच्छा टूट जाएगा। तो देखिए अब बिल्कुल पानी साफ आ गया ना, तो अभी मुझे इसे 20 से 25 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। तो 20 से 25 मिनट बाद मैं आलू के लच्छे को निकाल लेती हूँ इस पानी में से। ये देखिए मैं एक अलग जो बर्तन है उसमें निकाल रही हूँ ये सारा आलू का लच्छा, और देखिए हमारा आलू का लच्छा बिल्कुल काला नहीं पड़ेगा। ये मैं आपको श्योरिटी दे रही हूँ, अगर आप ठंडे पानी में डालेंगे या आप क्या कहते हैं 2-3 बार नहीं धोएंगे तो आपका आलू का लच्छा काला पड़ जाएगा। आप मेरे इस मेथड को फॉलो करेंगे तो आलू का लच्छा काला नहीं पड़ेगा और बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनेगा। फिर से मुझे इसे 10 मिनट के लिए बिल्कुल चिल्ड पानी जो होता है ना इसमें डाल देना है। अगर आपके पास ठंडा पानी नहीं है तो आप इसमें आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं। 10 से 20 मिनट बाद मैंने यहाँ पर एक टॉवल बिछा ली है, ये मैंने किचन के लिए ही निकाली है स्पेशली, क्योंकि सूती रहती है तो बहुत जल्दी पानी अब्सॉर्ब करती है। तो इस टॉवल के ऊपर हमें अपना जो आलू का लच्छा है वो फैलाना है, मतलब सुखा लेना है 15-20 मिनट के लिए, ताकि जो पानी है ना आलू के लच्छे का वो टॉवल के अंदर आ जाए। तो अच्छे से मैंने फैला लिया है, कढ़ाई रखी है गैस पर और तेल को गर्म होने देंगे। जब हमारा तेल अच्छा गर्म हो जाए तो मीडियम फ्लेम करके हमें इस आलू के लच्छे को डालना है। एकदम से ही सारा मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा और जो फ्लेम रखनी है वो मीडियम ही रखनी है आलू के लच्छा डालते समय। उसके बाद 2 मिनट बाद आप इस फ्लेम को हल्का कर दीजिएगा, तो उससे क्या क्रिस्पी हो जाएंगे हमारे जो आलू के लच्छे हैं। और हल्के हाथों से ही आप चलाइएगा, ये देखिए, और जब तक हमारे गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए तब तक आलू के लच्छे को निकालना नहीं है, बस चलाते रहना है, उलट पलट करते रहना है ताकि कुछ इधर से सिक जाए कभी उधर से सिक जाए। और है ना आलू का लच्छा फ्राई होने में 10 मिनट लगते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। और जो टेस्ट आता है ना गाइस वो मार्केट में जैसे आपका आलू का लच्छा मिलता है ना बड़ी बड़ी कंपनियों का, सेम बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आने वाला है। तो रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि कैसा बना है, क्रिस्पी बना है कि नहीं बना है। तो ये रेसिपी जो है बहुत झटपट बनती है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया होती है और जब भी खाने का मन करे ना आप इसे तुरंत के तुरंत बना सकते हैं। तो ये देखिए मेरा जो आलू का लच्छा है वो बन करके तैयार हो गया है और फिर से मुझे दूसरी बार ये आलू का लच्छा तेल में डालना है और सेम प्रोसेस करना है। आप इसमें सेंधा नमक और काली मिर्च डालकर सर्व कर सकते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। सर्विंग बाउल में निकाल लिया है और देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कितना गोल्डन ब्राउन लग रहा है और बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बना है। ये देखिए बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना है। तो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलती हूँ आपसे इसी तरह एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।